और चेहरा देखने से भी फायदा है, वो फायदा मैं बताता हूँ, आज बताऊं कि कल बताऊं? आज ही बता देता हूं ताकि कल देख कर आ जाओगे। दर्पण में मुंह देखने से फायदा, हाँ वो बता देता हूँ। तो सीधे बैठो, थोड़ा बताता हूँ। इसमें सब खुश है कि गुरुदेव ने भी छूट दे दिया, अब एक एक शीशा अंदर जेब में रखूंगा। हाँ निकाल के देखो, बड़े दर्पण के सामने, कांच के सामने, शीशा के सामने जब आप खड़े हों, देखिए फायदा बता रहा हूँ, तो पहले उसके सामने शांत खड़े हो जाए, शांत, तब देखे। उसके बाद थोड़ा मुस्कुरा दे, तब देखे। उसके बाद थोड़ा ज्यादा मुस्कुराए, तब देखे। उसके बाद थोड़ा हंसे हल्का, तब देखे। उसके बाद थोड़ा जोर से हंसे, तब देखे। उसके बाद थोड़ा सा दुखी हो जाए, तब देखे। उसके बाद थोड़ा निराश हो जाए, तब देखे। उसके बाद थोड़ा उदास हो जाए, तब देखे। उसके बाद थोड़ा क्रोध करे, तब देखे। उसके बाद ज्यादा गुस्सा करे, तब देखे। उसके बाद उसके सामने दांत पीसे, तब देखे। अब इतने पोज आपको देखना है, इतना पोज देखना है दर्पण के सामने। अब इस पोज में से आपको फिर कुछ पोज सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है। तो जो पोज आपको पसंद आ जाए उनको सिलेक्ट कीजिए। तो क्या गुस्सा वाला पोज आपको सिलेक्ट आएगा? नहीं। बोलते क्यों नहीं हो? नहीं आएगा, उसको रिजेक्ट करो। तो क्या क्रोध वाला सिलेक्ट करोगे? नहीं, उसको रिजेक्ट करो। क्या बहुत जोर से क्रोध किए हो जो पोज में, उसको रिजेक्ट करो। दुखी चेहरा जो बनाया है तुमने वो पसंद आएगा? नहीं, उसको रिजेक्ट करो। थोड़ा मुस्कुरा कर जो पोज खींचा है उसको सिलेक्ट करो, वो पसंद आएगा। थोड़ा ज्यादा मुस्कुराए हो वो भी पसंद आएगा, उसको सिलेक्ट करो। और फिर थोड़ा हंसकर देखा है वो पसंद करो, उसको सिलेक्ट करो। और थोड़ा सा जो जोर से हंसे हो वो बहुत पसंद आएगा, उसको भी सिलेक्ट करो। बाकी फालतू रिजेक्ट करो, जो बिल्कुल पसंद है उनको करेक्ट करो। और अपने जीवन में फिर सोच लो कि यदि हम थोड़ा खुश होकर रहेंगे तो दूसरों पर भी प्रभाव अच्छा पड़ेगा। थोड़ा हल्का मुस्कुरा कर जीवन जिएंगे तो हम देखने में सुंदर लगेंगे। थोड़ा हंस कर रहेंगे तो हमारी सुंदरता बढ़ेगी। बहुत बड़ी बात है। अब चेहरा तो रोज देखते हो दर्पण में, लेकिन उसमें से सिलेक्ट, रिजेक्ट, करेक्ट कभी नहीं करते हो। करिए, देखिए, समझिए। और मन, ये जो हीरो हीरोइन होते हैं ना, ये दर्पण में देख देख करके चेहरा को सेटिंग करते हैं। और तुम हीरो हीरोइन को देखते रहते हो, टीवी में देखते हो, मोबाइल में देखते हो हीरो हीरोइन को। अब उससे अच्छा तुम अपना सेटिंग कर लो, उनको देखने क्या जरूरत है। आपकी पत्नी ऐसी सेटिंग कर ले कि अपनी पत्नी को ही देखते रहो, दूसरे पत्नी देखने क्या काम। और आपका पति ऐसा अपना चेहरा सेटिंग कर ले कि आपकी पत्नी आपको ही देखती रहे, दूसरे के पति को देखने की जरूरत ही न पड़े। प्रसन्न चित्त चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा, खुश चेहरा, गदगद चेहरा, ये सबको मोहित कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। और ना होने वाले काम भी प्रसन्न बदन वाले के सब बनते चले जाते हैं। इसलिए प्रसन्न चित्त। लेकिन याद रखना, दर्पण के सामने जब तुम देखते हो तो वो तो बनावटी तुम करते हो ना, ये जो मैंने बताया सब बनावटी काम है। क्योंकि वहां कोई खुशी नहीं है, तुम झूठ मूठ मुस्कुराओगे, झूठ मूठ हंसोगे, झूठ मूठ किसे काटोगे, झूठ मूठ गुस्सा करोगे, वो तो सब ड्रामा होगा ना।